মা মাটি রাখবো মাখার জন্য। স্টার্ট। নমস্তে, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমুল পিজমি লাইভ কানেলে কিরে বহুত বহুত শুক্রিয়া। আর সবসে প্রণাম অভিষেক স্যার আর দীপা ম্যাম কো, আর সব ফ্রেন্ডস সবকে ধন্যবাদ মেরে লাইভ দেখনে কে লিয়ে। এক এক করকে স্যার জয়েন কিজিয়ে, থোড়া নেটওয়ার্ক প্রবলেম থা ইসিলিয়ে থোড়া লেট হো গিয়া মেরা। আজ হম বানাকে দিখায়েঙ্গে চিজি বেড রোল। ক্যা ক্যা চিজ লাগ রা দেখিয়ে, এ তো চিজ মাস্ট, এ তো আমুল বালা চিজ বহুত অচ্ছি হ্যায়। और ये है ना पोटेटो, पोटेटो मैं पेस्ट करके रखा है, हल्दी पाउडर है और आधा रसुन पेस्ट है, कश्मीरी लंका गुड़ा, चाट मसला, गोलमरीच गुड़ा, मेयोनीज, पनीर ग्रेट करके रखा। और वो जो अमूल का जो गार्लिक एंड हर्ब्स जो बटर है ये ले लिया हम। एक एक करके सब जान कीजिए। आप लोग कैसी लगा ये आज बना के दिखाएंगे? वो शीत का मौसम है इसीलिए हम चीजी ब्रेड रोल बना के दिखाएंगे। और एक बार बोल देंगे आप लोग का जो चीज है मैं गेट करके रखा है चीज, और जो पनीर है ये पनीर गेट करके रखा है, मेयोनीज है और ये गोलमरीच का है, रेड मिर्ची है, कश्मीरी लंका, चाट मसला, आदा रसुन पेस्ट है और नमक, सुगर, हल्दी पाउडर और पोटेटो मैं ग्रेट करके रखा है। कैसे बनाए दिखाएंगे। और सबसे तो ब्रेड ही है, ये तो मेन। पहले हम वो टेस्टी होने के लिए ये देखिए जो गार्लिक और हर्ब से बटर है ये दे दिया है चूल्हा में। इसके बाद मैं ये जो पोटेटो है ये पोटेटो ये पूरा दे देंगे। और जो पनीर है ये हम देंगे पूरा। मैं डो बना के लेंगे। आधा रसुन पेस्ट, ये गोलमरीच का गुड़ा है, चाट मसला है,
रेड मिर्ची, कश्मीरी लंका गुड़ा, थोड़ा नमक और थोड़ा शुगर। ये देखे मैं उस ड्यूब बना के लिए वो आमूल जो गार्लिक और हाफ जो बटर है वो बहुत टेस्टी है। और थोड़ा हल्दी पाउडर दीजिए, देखिए मेरा जो डो है पूरा तैयारी हो गया। आप लोग नहीं भाजना चाहता है तो वो जो रॉ जो है वो पोटेटो जो पनीर है वो आप देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हम थोड़ा ग्रेवी करके कि बहुत अच्छी लग रहा है ये चीज। मेरा जो है एक तैयारी हो गया पूरा। एक ठंडी होने का बाद मैं एक उठा के रंगे जो ब्रेड है मैं बेल रखे। मैं क्या करूं जो ब्रेड जो है कथा बोलो एक एक करके। हाँ देखिए ये जो ब्रेड है मेड मैग्रो बना के हम लिया है। हम जो चीजी वाला जो है और मेयोनीज है चीज जो ऊपर में देंगे हम। और मेयोनीज हम ऊपर देख के देंगे।
कैसी लगा आप लोग का, एक बार बोल देंगे। कैसी लगा आप लोग का चीजी ब्रेड रोल? जो जो लेट से ज्वाइन किया है हम फिर दोबारा बोल देंगे आप लोग का। चीजी ब्रेड रोल সেটাই লাস্টার লাগবে না। देखिए कैसी लगा है आप लोग का। আর করবে না, বাঁচতে পারবে না, কি আশ্চর্য। देखिए मैं क्या करूं, चीजी ब्रेड रोल मैं बना के दिखा है। एक चीजी हम गेट करके लिया है और पनीर लिया है और शुगर चीनी आधा रसुन पेस्ट और हल्दी गुड़ा रेड मिर्ची था गोलमरीच गुड़ा था चाट मसाला था। ये देखे हम वो जो अमूल का जो हाफ सर गार्लिक जो पेस्ट है ये जो मक्खन है ये दिया है ये देके मैं डो बना के हम आप लोग को भाज के दिखाएंगे। हम कैसी लगा आप लोग का, ये बहुत टेस्टी वाला रेसिपी है। सीख जो मौसम है ये मौसम के लिए ये चीज बहुत अच्छी लग रहा है।
आप लोग साफ एक एक करके देखिए, घर में बना के दिखाएंगे कैसी लग रहा है आप लोग का। बहुत टेस्टी वाला रेसिपी है। मेरा चूल्हा में ऑयल गर्म हो गया। देखिए कैसी कैसी हो गए। ये बहुत टेस्टी वाला रेसिपी। चीज़ी ब्रेड रोल। ऐसी लगा है देखिए, पूरा खस्ता वाला रेसिपी। তুলে ফেলো। देखिए पूरा खस्ता है रेसिपी। हम फिर दोबारा एक बार बोल देंगे, जो जो आदमी लेट से ज्वाइन किया है, चीजी ब्रेड रोल। चीजी ब्रेड रोल बना के लिए वो अमूल का चीज तो बहुत बढ़िया है, वो अमूल वाला चीज ले लिया है, वो चीज हम गेट करके लिया है। अब जो पनीर है, अमूल वाला पनीर है, वो पनीर वो गेट करके लिया है हम। और पोटेटो वो अच्छी लग रहा है, टेस्टी बढ़ा है। पोटेटो मैं सिद्ध करके वो मैश करके लिया है। हाँ, गोलमरीच गुड़ा और कश्मीरी लंका गुड़ा है और चाट मसाला दिया है। चाट मसाला में बहुत टेस्टी लग रहा है। और शुगर और नमक देके हल्दी पाउडर, आधा रसुन पेस्ट और मेयोनीज ये सब लिया है। एक साथ के लिए हम जो अमूल का जो हाफ सॉस जो गार्लिक बटर है वो चूल्हा में दे दिया। वो देने का बाद सब एक एक करके पोटेटो और पनीर सब देके, आधा रसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर सब कुछ एक क्षण के देके थोड़ा मैं भाज के लेंगे डो बना के लिया है। उसके बाद जो पाउरोटी है वो पाउरोटी हम
क्या है वो पावरोटी बेल के उसके अंदर देके मैं बना के रहा। देखिए बहुत खस्ती वाला है रेसिपी, टेस्टी वाला रेसिपी है। और सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर 2024। और अमूल पेज में मेरा लाइव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर और दीपा मैम को। और आप लोग का जो मेरा लाइव हम लोग देख रहा है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये टेस्टी रेसिपी है, देखिए कैसे हुआ है, चीजी ब्रेड रोल। सबके प्रणाम और सबके हैप्पी न्यू ईयर।